प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार कृषि उत्पादनों के भंडारण की दिशा में काम कर रही है। गुरुवार यानी 27 जून 2024 को यह बात नई दिल्ली स्थित संसद भवन में संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा। वह बोली, मेरी सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के किसानों को 3.20 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। मेरी सरकार ने नए कार्यकाल की शुरुआत से लेकर अब तक 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम किसानों को ट्रांसफर कर चुकी है। सरकार ने खरीफ फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी की है। इसको लेकर क्या कुछ कह रही है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, आइए आपको सुनाते हैं। किसानों की बड़ी समस्या भंडारण से जुड़े होती है, इसलिए मेरी सरकार ने सहकारिता क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण योजना पर काम कर शुरू कर चुकी है। किसान अपने छोटे खर्चे पूरे करने के लिए इसके लिए पीएम किसान सम्मान निधि के तहत उन्हें 3,20,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा राशि दे सकती। मेरी सरकार के नए कार्यकाल के शुरुआत दिनों से ही किसानों को 20,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। सरकार ने खरीफ फसलों के लिए MSP में भी रिकॉर्ड वृद्धि की है। माननीय सदस्यगण, आज का भारत अपनी वर्तमान जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अपनी कृषि व्यवस्था में बदलाव कर रहा है। हम ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भर हो और ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात से किसानों की आमदनी बढ़े, इस सोच के साथ नीतियाँ बनाई गई है, निर्णय लिए गए हैं। जैसे भारत दलहन और तिलहन में दूसरे देशों पर निर्भरता कम करने के लिए देश के किसानों को हर संभव मदद दे रहे हैं, ग्लोबल मार्केट में किस तरह के फूड प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है इसके आधार पर नई रणनीति बनाई जा रही है। आजकल ऑर्गेनिक उत्पादों को लेकर दुनिया में डिमांड तेजी से बढ़ रही है। भारत के किसानों के पास इस डिमांड को पूरा करने के पूरा भरपूर क्षमता है, इसलिए सरकार प्राकृतिक खेती और इससे जुड़ी उत्पादों की सप्लाई चेन को सशक्त कर रही है। ऐसे प्रयासों से किसानों का खेती पर होने वाला खर्च भी कम होगा और उनकी आय भी और बढ़ेगी। माननीय सदस्यों, आज का भारत दुनिया की चुनौतियों बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि दुनिया को समाधान देने के लिए माना जाता है। विश्व बंधु के तौर पर भारत ने अनेक वैश्विक समस्याओं के समाधान को लेकर पहल की है। जलवायु परिवर्तन से लेकर खाद्य सुरक्षा तक, पोषण से लेकर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर तक हम अनेक समाधान दे रहे हैं। हमारे मोटे अनाज श्री अन्न की पहुंच सुपर फूड के तौर पर दुनिया के कोने कोने में हो, इसके लिए भी अभियान चल रहा है। बजट का जिक्र करते हुए स्पीच में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि आने वाले सत्र में सरकार इस कार्यकाल में पहला बजट लेकर आएगी। यह बजट सरकार की दूरगामी नीतियों और भविष्यवादी दृष्टिकोण का प्रभावशाली दस्तावेज होगा। इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए पंजाब केसरी.com को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।